गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो ये क्लिप है 25 दिसंबर की। आज है 25 दिसंबर, तो आज है मेरा हैप्पी वाला बर्थडे और मैरी क्रिसमस सबको। तो ये क्लिप ना, मतलब ये ब्लॉग जो शूट किया है मैंने, ये जाएगा 2 दिन बाद। तो ये देखिए, मैं आपको दिखा रही हूँ, निर्मल गई हूँ मैं सुबह सुबह ही, और ये निर्मल का इलाका है, ये सामने दिखा रही हूँ मैं आपको, जहाँ सूर्य चमक रहा है। क्योंकि धीमी धीमी से आई है वीडियो, क्योंकि बहुत ज़्यादा धूप से छाई हुई थी। तो ये है दत्तनगर का एरिया, और सामने देखिए नीचे के आर वाला एरिया जहाँ धान की रोपाई होती है, ये बाइल का एरिया है। और सामने मैं आपको दिखा रही हूँ, देखो कुछ कुछ जो पहाड़ियाँ दिख रही है ना, तो कोटगढ़ वाली पहाड़ियाँ दिख रही है कुछ। और ये है कोयल, कोयल बोलते हैं इस गाँव का नाम, कोयल है। तो यहाँ पर बहुत ही धान होता है, बहुत ज़्यादा धान होता है, क्यार लगाए होते हैं पानी के, जिसमें पानी की बहुत ज़रूरत होती है। यहाँ देखिए नीचे तो छोटा सा एक गाँव है, तो हमें ना यहाँ से भी नीचे जाना है, तो मैंने ये ऊपर चली है जहाँ मैं आपको दिखा रही हूँ, जहाँ जाना है हमें, जहाँ थोड़ी सी लाल छत दिख रही है। तो यहाँ मेरे मामा का घर है, तो वहाँ पर मेरी छोटी नानी की डेथ हुई थी, वहाँ गई थी मैं अपने बर्थडे वाले दिन सुबह सुबह। तो शाम को मैं वापस आ गई थी। वो निर्मल वाला एरिया दिखा रही हूँ मैं आपको, ये है निर्मल का एरिया, और व्यू थोड़ा धुंधला सा आया है, तो इसके लिए माफ़ कीजिएगा। तो ये देखिए, ये है वापसी में मैंने लिया है, तो वहाँ से हम आ गए थे। ये जो बेर होते हैं ना खाने के लिए, ये बहुत मीठे होते हैं, खट्टे मीठे से बहुत टेस्टी लगते हैं, वो मैं आपको दिखा रही हूँ। तो ये देखिए कितने सारे हैं, और यहाँ पर हम बैठे हैं थोड़ी देर, हम मामा के घर में बैठ गए, तो मैंने ये थोड़ी सी छोटी सी वीडियो कैप्चर की है, छोटी सी है। और यहाँ पर मैमना था, तो बच्चों ने उठाया था, तो मैंने सोचा थोड़ी सी वीडियो ले लेती हूँ। तो ये देखिए बच्चा कैसे इसको अपने पास बुला रहा है, तो ये इसको छोड़ ही नहीं रही थी जैसे इसने पकड़ के रखा था ना। तो उसके बाद देखिए हम वापस आ गए, हमें लेने आए थे भैया, तो भैया के साथ हम वापस आ गए। तो साथ मैं आपको आपके साथ व्यू शेयर करती रही। तो इस दौरान ना, मतलब हर जगह ही सूखा सूखा सा है, क्योंकि अभी मतलब ठंड के मौसम में ऐसा ही मतलब रूखा सूखा सा होता है। तो सामने देखिए व्यू दिखा रही हूँ मैं आपको, बहुत ही प्यारा सा व्यू है। हम आ रहे थे अभी रामपुर वापस, 3 बजे का टाइम हो रहा था। तो यहाँ देखिए बकरियाँ, लोग बकरियाँ चुगा के आ रहे हैं। और ये मोड़ है देवढांक का मंदिर, यहाँ से नीचे है शिव बाबा की गुफा यहाँ है। तो ये देखिए मैं आपके साथ पूरा व्यू शेयर कर रही हूँ, देख रही यहाँ मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ पूरे मतलब डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में, जो जहाँ मैं रहती हूँ ब्रॉ का व्यू। तो ये देखिए नदी में आजकल पानी बहुत कम है, तो यहाँ से पूरा व्यू बहुत ही मस्त आता है। और सामने देखिए थोड़ा सा रामपुर का एरिया भी दिख रहा है, रामपुर का बाजार। तो ये है पूरा ब्रॉ का एरिया, बहुत ही ज़्यादा सुंदर सा व्यू यहाँ से कैप्चर होता है। तो 25 दिसंबर, तो जैसे सबको पता है कि आज है क्रिसमस, तो आप सबको क्रिसमस की बहुत बहुत बधाई। तो आज मेरा बर्थडे भी है, तो बर्थडे के लिए जितना एक्साइटेड मैं हुई थी ना, कहते हैं ना कि किसी चीज़ के लिए इतना एक्साइटेड मत नहीं होना चाहिए कि बाद में वो चीज़ हो ही ना। तो मैंने बहुत कुछ सोचा था आज के लिए, बट मैं कुछ भी नहीं कर पाई, क्योंकि आज मुझे जाना पड़ा सुबह सुबह ही कहीं। तो मेरी छोटी नानी जी की डेथ होगी आज, तो मैं वहाँ गई थी अभी थोड़ी देर पहले, जस्ट पहुँची हूँ 4:30 के करीब। तो खाना हमने वहीं खा लिया था, तो वहाँ से आने के बाद मैं बर्गर पैक करके लाई थी बाहर से, बाज़ार से, तो वो खाए हमने एक एक। और जो कुछ मैंने सोचा था ना कि मैं ये भी बनाऊंगी, वो भी बनाऊंगी, ऐसा करूंगी, वैसा करूंगी, तो उसका कुछ भी नहीं कर पाई। उसके बाद नहाई हूँ मैं, तो जैसे आपको पता ही है जहाँ डेथ हुई होती है, तो यहाँ वहाँ पर वहाँ से आने के बाद नहाना धोना पड़ता है, कपड़े उतारने पड़ते सारे, मतलब जो कपड़े खोलने पड़ते सारे जो पहने हैं, तो जूठा जूठा माना जाता है हमारे। तो कपड़े मैंने ऐसे रखे अभी धोने के लिए, उनको तो सुबह ही धोऊँगी या बाद में धो लूँगी। तो अभी देखो मुझे क्लीनिंग करनी है थोड़ी सी किचन की। आने के बाद ना मैंने सबसे पहले नहाई हूँ मैं, फिर पीयू को नहलाया है मैंने, और देन उसके बाद मैंने क्लीनिंग की है, झाड़ू लगाया है रूम्स में, क्योंकि बहुत ज़्यादा हालत ख़राब थी। सुबह ही निकल गई थी, मैंने ब्रेकफास्ट भी नहीं की थी, 8 बजे निकल गई थी, तो 7:30 तो मैं सो के उठी थी, तो हाथ मुँह धोया और नहाई भी नहीं थी सुबह, कपड़े चेंज किए, तो वैसे ही निकल गई थी। तो अभी थोड़ी बहुत देखती हूँ क्या। तो यहाँ हो रहा है मेकअप, फर्स्ट टाइम मैं आईलाइनर लगा रही हूँ, क्योंकि मुझे आईलाइनर बिल्कुल भी लगाना नहीं आता है, और मैं लगाती भी नहीं हूँ। तो यहाँ पर मैं फर्स्ट टाइम लगा रही हूँ, और मेरा बर्थडे केक भी आ चुका है। तो ये देखिए व्यू का एक्सप्रेशन, कितनी खुश हो रही है केक के। तो यहाँ पर आके कटिंग की तैयारी हो रही है।
हम चार लोग ही थे बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए। फेस वॉश करना पड़ेगा। yes. बोलो भाई क्या बोलना है बोलो। प्लीज फ्रेंड्स और मासी के लिए लाइक शेयर करना भूलें। हां भूलें। एंड गाइस प्लीज अनुवासी के लिए क्योंकि आज अनुवासी का बर्थडे। प्लीज शेयर कमेंट शेयर लाइक शेयर और सब्सक्राइब और सब बोलें गाइस प्लीज लाइक एंड तो गाइस लाइक अनुवासी के लिए कमेंट में हैप्पी बर्थडे लिखना मत भूलें। सुनो तो गाइस प्लीज लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट सब्सक्राइब माय मदर्स वीडियो एंड आल्सो हैप्पी क्रिसमस एंड डिस्कार्ड बर्थडे हैप्पी बर्थडे। फिर मिलते हैं। बाय बाय।